हेलो फूड लवर्स, दिस इज अमृता। वेलकम बैक टू माय चैनल फूडोपैथी। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पोहा की रेसिपी, जिसे दिया है मैंने ट्विस्ट और बनाया है और भी ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी। इसके लिए लेंगे हम पोहा। मैंने 100 ग्राम पोहा लिया है। पोहा बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए। मीडियम थिकनेस का पोहा चाहिए हमको। अब इसको हम हल्का सा वॉश करेंगे। मैंने पानी डाल के हल्के हाथों से धुल लिया ताकि जो डस्ट है उसके ऊपर से निकल जाए। अब इसको स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर देंगे, जिससे पानी सारा पोहा से अच्छे से निकल जाए और पोहे को इसी में रख देंगे फूलने के लिए। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट स्टेप। इसके लिए पैन में लिया है मैंने तेल और मूंगफली के दाने या फिर सिंग दाना। इसको हम करीब 5 मिनट तक धीमी आंच पर भून लेंगे। देखिए हमारे दाने सुनहरे रंग के हो गए हैं। चलिए इनको निकाल लेते हैं। अब उसी सेम पैन में मैंने ऑयल लिया है और उसमें डाल दिया है राई के दाने। राई के दाने चिटकने के बाद ऐड करेंगे उसमें हम हरी मिर्च और कड़ी पत्ता। इसको धीमी आंच पर करीब 2-3 मिनट के लिए हम भून लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। प्याज मैंने बारीक काट ली है और इसको फिर से हम करीब 2 मिनट के लिए हल्का सुनहरा होने तक भूनेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी। हल्दी को हमें तुरंत चला देना है, नहीं तो ये जलने लगती है। और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं शिमला मिर्च और गाजर। गाजर को मैंने घिस लिया है और ये डाल दी है मैंने उबली हुई मटर। अब सारी चीजों को हम अच्छे से मिला लेंगे। अब हाई फ्लेम पर सब्जियों को इसी तरह चलाते हुए उनका पानी पूरी तरह से सूखने तक कुक करना है। अब पानी सूखने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपना पोहा। पोहा देखिए पूरी तरीके से मुलायम हो गया है। पोहे को हम चलाते हुए अच्छे से सब्जियों के साथ मिक्स कर देंगे। अगर अच्छी लगी आज की रेसिपी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सब्जियों के अच्छे से पोहा के साथ मिल जाने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा और फिर से इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। नमक डालने के बाद अब इसको हम कवर करके 2-3 मिनट के लिए फिर से पकाएंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे नींबू का रस। मैंने आधा नींबू डाला है। अगर आपको ज़्यादा खट्टा पसंद है तो आप पूरा 1 नींबू का रस ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको फिर से मिला देंगे, जिससे नींबू का रस अच्छे से मिल जाए पोहा में। अब हम इसमें ऐड करेंगे मूंगफली के दाने जो पहले से रोस्ट करके रखे हुए थे। और लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया। चलिए हरे धनिया को अच्छे से मिला देते हैं फिर से पोहा में। तो लीजिए हमारा पोहा तैयार है। अब हम इसको सर्व कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे इसे मैं 2 बोल में क्यों सर्व करने जा रही हूँ। अभी जाइएगा मत, रुके रहिए, बताती हूँ क्यों सर्व कर रहे हैं हम इसे 2 बोल में। तो मुझे तो बहुत ही अच्छी पोहे की खुशबू आ रही है और हेल्दी पोहा मेरा रेडी है। फर्स्ट बोल को हम गार्निश कर रहे हैं रोस्टेड 7 सीड्स से और दूसरे बोल को गार्निश करेंगे सेव से। आप गार्निश करना अवॉइड भी कर सकते हैं। देखिए हमारा मज़ेदार, टेस्टी और हेल्दी पोहा रेडी है। अब आप इसे बनाइए और इन्जॉय करिए।